कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या मतलब है? सुनना और बोलना। सुनना और बोलना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। कोई बोलता कुछ है, हम सुनते कुछ है, हम करते कुछ है। हम सुनने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। राइट? यस मैम। हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता दूसरा बंदा क्या कहना चाहता है। उसने कुछ बोला या उसे कुछ पूछा, आप कैसे हो? हमारे पास इतनी पेशेंस भी नहीं है किसी की बात सुनने की कि बंदा कहने क्या जा रहा है। क्या है? लिसनिंग स्किल्स। मुझे सुननी है। देखिए, जितना आप क्वेश्चन किसी को पुट करते हैं ना, उतना ही जरूरी उसका जवाब सुनना है। उसको सुनिए और वो सुनिए जो वो कहना चाहता है या कहना चाहती है। वो मत सुनिए जो आप सोच रहे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है हम अपने दिमाग में ही सोच लेते हैं, इसने यही कहना है मुझे पता, तो उसका जवाब आने से पहले एक तो पहले ही इंप्रेशन आ गया कि ये इसने ये कहना है और मेरा इमोशन तैयार है उसके बाद उसको डम 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 देने के लिए। सुनो और सुनने के बाद ट्रस्ट करो। हम क्या करते हैं, हम उसकी बात के पीछे चले जाते हैं। इसने ये बात कही ना, इसका मतलब ये होगा। अरे भैया, उसने मतलब कहां बोला? उसने तो बात बोली, मतलब किसने निकाला? और मतलब निकालने के बाद अपने थॉट्स भी चेंज कर दिए और उसके बाद हमारा इमोशन भी चेंज हो गया। जान के कर रहा है या कर रही है, ये हमेशा ऐसे ही करता है या करती है। प्लीज ये नहीं करना, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। सुनो जो वो कहना चाहता है या कहना चाहती है, उसको ट्रस्ट करो। ट्रस्ट के साथ साथ अपनी विजडम भी साथ में रखो, ठीक है? उसको 100% ट्रस्ट करना है, करना है। जो जो बोल रहा है उसकी बात को ट्रस्ट करना है और उसके बाद अपने दिमाग को साथ में रखना है। कैसे? वो दिमाग नहीं जो सोचे कि ओ इसने जो कहा उसके पीछे क्या मतलब होगा, मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, या कर सकती हूं या नहीं कर सकती हूं, या जो इसने बोला वो ठीक है या नहीं ठीक है, मुझे क्या करना है। इंपॉर्टेंट लाइन, मुझे क्या करना है। चैलेंजेस आते रहेंगे सिचुएशन में। मुझे ये नहीं देखना कि मेरे साथ क्या हुआ या किसी ने मेरे साथ क्या किया। इस सिचुएशन में मेरे को ये देखना है, मुझे क्या करना है। सी द शिफ्ट इन द एनर्जी। सारी एनर्जी आपके अंदर ही आ जाएगी, फिर आप ये सोचने लग जाओगे कि मुझे क्या करना है। रादर अगर हम, लेकिन हम क्या करते हैं, कोई हमारे साथ कुछ करे ना तो हम क्या सोचते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ वैसा किया, इसने ऐसा किया, इसने क्या क्या बोल दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। डोंट थिंक, बस ये सोचो कि ये जो इसने मेरे साथ किया, मुझे क्या करना है। अब मुझे क्या करने का मतलब ये नहीं कि गला पकड़ के दबा देना उसका। अच्छा, मुझे पता है तूने मेरे साथ, मैंने को पता है तेरे साथ क्या करना है। जो करोगे वो तुम्हें वापस मिलने वाला है। कोई तुम्हारे को अगर गुस्सा दे तो उसके जैसा नहीं बनना। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना, मैं उसके जैसा थोड़ी ना हूं। और देखो, कोई अगर 2 मिनट में आके हमें गुस्सा देना, फिर तो देख तू फलाना फलाना फलाना, तो अच्छा तेरी तो तेरी कैसी हिम्मत है मेरे को ये सब कहने की, तू ये 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 ये। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर द बॉयज, ट्रैफिक रोड पे होता है ना। तू मेरे तो ज्यादा आगे निकल गया, तेन तो मैं दसदा है, तू मेरे पास किया ना निकल गया। अच्छा रुक के, अगर पहले तो इसमें शुरू हो गए, और नहीं तो अगर किसी ने रुक के कुछ 2-4 ऊपर नीचे बोल दिया ना, फिर तो छोड़ना नहीं उसको। तो क्या किया, 1 मिनट में दूसरे के जैसे बन गए। अभी तो बोलते हैं हम कोई दूसरे के जैसे नहीं है, लेकिन 1 मिनट में हम उसके जैसे बन जाते हैं। स्पीकिंग स्किल्स। हम क्या करते हैं, आधी बातें तो बोलते ही नहीं है और चाहते हैं तू समझ जा, समझ जा। हमारे घर में भी बहुत लोग करते हैं, वो चीज वहां पड़ी है वहां से उठा के ले आना। भाई अरे यार, कौन सी चीज कहां पड़ी, कहां से उठा के, वो तेन समझ नहीं आता यार, कितनी बारी क्या वो चीज इधर पड़ी है उधर है। यार तेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता कभी, ओ यार समझ जाना। नहीं, ऐसे नहीं करना।
ऐसे नहीं करना, समझ जा, नहीं समझाओ, समझाओ। जब तक समझाओगे नहीं उसके लिए थोड़ा सा छोटा छोटा भी बोलना पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो जब बोलना है तो पूरा बोलना है, तू समझ जा नहीं, मुझे पूरा समझाना है। ये छोटी सी बातें हैं लेकिन इन्हीं में बहुत बड़ी बातें हैं। लाइफ में आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन की वजह से आती हैं। मैंने बोला कुछ, उसने सुना कुछ, हुआ कुछ। ये जो बातें मैं यहाँ कर रही हूँ ना, ये किसी को सिखाना नहीं, पहले खुद में डालना है, पहले खुद को चेंज करना है, पहले खुद का दोस्त बनना है, फिर किसी को चेंज करना है।